हे गाइस, मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ऑलवेज न्यू की एक और फ्रेश वीडियो में। सो गए, आज की इस वीडियो में हम आपसे ऐसी 10 वेब सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स की तरह हैं। अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के काफ़ी बड़े फ़ैन हो तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 10 टीवी सीरीज़ के बारे में बताऊँगा जो बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स से मेल खाती हैं, और ये 10 की 10 वेब सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी। तो वीडियो पर आगे तक बने रहना। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आती है दी अम्ब्रेला अकेडमी। दोस्तों, वेब सीरीज 2019 में आई थी, एक एक्शन वेब सीरीज है। इसमें टोटल 2 सीजन और 20 एपिसोड हैं। इस सीरीज़ को रोटन टोमेटोज की तरफ से 83% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 8 की रैंक मिली हुई है। दोस्तों, अम्ब्रेला अकेडमी एक अमेरिकन सुपर हीरो टीवी सीरीज है। इस सीरीज में 7 सुपर पावर चिल्ड्रन की स्टोरी को दिखाया है। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आती है दी ऑर्डर। दोस्तों, ये टीवी सीरीज 2019 में आई थी, एक ड्रामा टीवी सीरीज है। इस सीरीज में 2 सीजन है और 20 एपिसोड। इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड 7 मार्च 2019 को आया था और फाइनल एपिसोड 18 जून 2020 को आया था। इस सीरीज को रोटन टोमेटोज की तरफ से 100% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 6.8 की रैंक मिली हुई है। इस टीवी सीरीज में जैक मार्टन की स्टोरी को दिखाया है जो अपनी माँ की मौत का बदला लेता है। उसकी माँ की मौत कैसे होती है जानने के लिए आपको ये टीवी सीरीज देखनी पड़ेगी। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है दी मैजिशियन। दोस्तों, ये टीवी सीरीज 2015 में आई थी, एक फैंटेसी टेलीविजन सीरीज है। इस सीरीज में 5 सीजन 65 एपिसोड हैं। इस टीवी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड 16 दिसंबर 2015 को आया था और फाइनल एपिसोड 1 अप्रैल 2020 को आया था। इस सीरीज को रोटन टोमेटोज की तरफ से 91% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 7.6 की रैंक मिली हुई है। इस सीरीज में क्वेंटिन जादूगरों के लिए एक गुप्त स्कूल ब्रेक बिल्स में एडमिशन लेती है, जहां से उसे पता चलता है कि ह्यूमैनिटी खतरे में है। वो ह्यूमैनिटी को कैसे बचा पाती है जानने के लिए आपको ये टीवी सीरीज देखनी पड़ेगी। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आती है दी सोसाइटी। दोस्तों, ये टीवी सीरीज 2019 में आई थी, एक मिस्ट्री टीवी सीरीज है। इसमें 1 सीजन और 10 एपिसोड हैं। इस सीरीज को रोटन टोमेटोज की तरफ से 86% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 7.1 की रैंक मिली हुई है। इस सीरीज की कास्ट में है कैथरीन न्यूटन। दोस्तों, इस सीरीज में हाई स्कूल स्टूडेंट कैंपिंग ट्रिप के लिए जाते रहते हैं, लेकिन तूफान की वजह से उन्हें घर वापस आना पड़ता है। लेकिन रास्ते में वे एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। अब उस मुसीबत का सामना वो कैसे करते हैं जानने के लिए आपको टीवी सीरीज देखनी पड़ेगी। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर आती है चैम्बर्स। दोस्तों, ये टीवी सीरीज 2019 में आई थी, एक मिस्ट्री थ्रिलर टीवी सीरीज है। इसमें 1 सीजन और 10 एपिसोड हैं। इस सीरीज को रोटन टोमेटोज की तरफ से 42% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 6.5 की रैंक मिली हुई है। इस सीरीज में हार्ट अटैक पड़ने के बाद एक टीनएजर्स को जीवित रखने के लिए उसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है, जहाँ से इस टीवी सीरीज की स्टोरी शुरू होती है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है हेमलॉक ग्रोव। दोस्तों, ये टीवी सीरीज 2013 में आई थी, एक हॉरर वेब सीरीज है। इसमें 3 सीजन और 33 एपिसोड हैं। इस सीरीज को रोटन टोमेटोज की तरफ से 38% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 7.1 की रैंक मिली हुई है। इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड 19 अप्रैल 2013 को आया था और फाइनल एपिसोड 23 अक्टूबर 2015 को आया था। गाइज, हेमलॉक ग्रोव एक अमेरिकन हॉरर स्ट्रीमिंग टेलीविजन सीरीज है। इस लिस्ट में 4वें नंबर पर आती है ब्लैक स्पॉट। दोस्तों, ये टीवी सीरीज 2017 में आई थी, एक थ्रिलर टीवी सीरीज है। इसमें 1 सीजन 16 एपिसोड हैं। इस सीरीज को IMDb की तरफ से 7.5 की रैंक मिली हुई है। दोस्तों, इस सीरीज में एक पुलिस इंस्पेक्टर एक जगह की हत्या की जांच करता है, जहां हत्या की दर देश के बाकी हिस्सों की तुलना में 6 गुना अधिक होती है। इस लिस्ट में 3रे नंबर पर आती है चिलिंग एडवेंचर ऑफ सैबरीना। दोस्तों, ये टीवी सीरीज 2018 में आई थी, एक ड्रामा वेब सीरीज है। इसमें 4 सीजन 36 एपिसोड हैं। ये सीरीज का फर्स्ट एपिसोड 26 अक्टूबर 2018 को आया और फाइनल एपिसोड 31 दिसंबर 2020 को आया था। गाइस, इस सीरीज को रोटन टोमेटोज की तरफ से 81% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 7.5 की रैंक मिली हुई है। इस वेब सीरीज में सैबरीना की स्टोरी को दिखाया है। इस लिस्ट में 2रे नंबर पर आती है वेरियर नन। दोस्तों, टीवी सीरीज 2020 में आई थी, एक ड्रामा टीवी सीरीज है। इसमें 1 सीजन और 10 एपिसोड हैं। इस सीरीज को रोटन टोमेटोज की तरफ से 68% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 6.8 की रैंक मिली हुई है। इस टीवी सीरीज में एक यंग वूमेन पावर के साथ मुर्दा घर में जागती है और अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई में फंस जाती है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है डार्क। दोस्तों, ये वेब सीरीज 2017 में आई थी, एक मिस्ट्री वेब सीरीज है। इसमें 3 सीजन और 26 एपिसोड हैं। इस टीवी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड 1 दिसंबर 2017 को आया था और फाइनल एपिसोड 27 जून 2020 को आया था।
इस वेब सीरीज में जर्मन के एक छोटे से टाउन में दो बच्चे खो जाते हैं, जहां से इस वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है। इस वेब सीरीज को रोटन टोमेटोज की तरफ से 95% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 8.8 की रैंक मिली हुई है। सो गाइस, ये थी हमारी 10 वेब सीरीज जो कि सेम टू सेम स्ट्रेंजर थिंग्स की तरह है। अगर आपको स्ट्रेंजर थिंग्स पसंद है तो ये वेब सीरीज आपको पसंद आएंगे, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर फिल्म से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।